नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पति देव आपका स्वागत करता है और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बेटे के जनेऊ संस्कार की कुछ झलकियाँ। तो जनेऊ संस्कार को यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, मुंज या थ्रेड बियरिंग सेरेमनी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभ करेंगे गणपति जी के आह्वान से। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के पूजन के पश्चात बटू की हल्दी एवं मंगल स्नान होगा। बटू हम उस बालक को कहते हैं जिसका जनेऊ संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत हो रहा होता है। उत्तराखंड में हमारे परंपरागत ढोल दमों और मस्तबीन की धुन के बीच में ही ज़्यादातर बांध दिया जाता है। और हल्दी की यदि बात करें तो बांध के समय हल्दी के लिए कच्ची हल्दी, दही, सरसों, चंदन आदि का मिश्रण तैयार किया जाता है और उसी से बांध दिया जाता है। Bye.
हल्दी लगाने के बाद यानी कि बान चढ़ाने के बाद हल्दी उतारी जाती है, जिसे बान उतारना भी कहते हैं कई जगहों पर। और इसके बाद जो बट्टू की माँ है वो बट्टू को अपनी आंचल की छाया में लेकर जाती है बट्टू के स्नान के लिए। वहाँ बट्टू स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र धारण करके आगे के पूजा पाठ के कर्मकांडों के लिए तैयार होता है। फूल खिलाना डालियो माँ, फूली हसले पाखियो माँ, आली रौनक बांधू की मुखोड़ी माँ, कुत गेली लगेली जे कोड़ी माँ, फूल खिलाला फूली हसले, फूल खिलाना डालियो माँ, फूली हसले पाखियो माँ, क्यों भुआनो काटियो माँ, मोल्यार अब बट्टू की माँ प्रधान दीपक को प्रज्वलित कर रही हैं और यह प्रधान दीपक एक तांबे के कलश में रखा जाता है। यह एक अखंड ज्योति होती है जो कि संपूर्ण मंगल कार्य तक प्रज्वलित रहती है। दिया ठीक जल रहा है। जोड़ो अतिष्ठ महाकाय कल्पांत धनुपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुम अर्हसि भो दीवदे रूपस्त्वं बोलो कर्म साक्षी विघ्नकर्त तत्पश्चात षोडश मातृका आवाहन एवं पूजन संपन्न होता है। षोडश मातृका सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः इनका आपने आवाहन कर दिया। करते भद्राय नियता प्रणता स्मताम रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्नाये चेन्द्रपिण्डे शुकाये शुक्रदं नमः कल्याणां प्रदां बुद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नेर्ते भूतालक्ष्मे श्रावणे ते नमो नमः दुर्गाये दुर्गपाराय सने अभी चम्मच का पानी मां चला दो बेटा पकड़ो अपना हां रखो हस्ते और अर्घ्यम समर्पयामि नमः रखो हाथ धोने के लिए हस्त से अर्घ्य दिया पहला पांव धोने के लिए हाथ धोने हस्ते और अर्घ्यम संपूर्ण कार्यक्रम को और भी आनंदमय बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे सगे संबंधियों एवं हमारे अड़ोस पड़ोस से आई हुई सभी महिला वर्ग का, जो कि अपने मंगल गानों से एक अलग ही छटा बिखेरती हैं, जिसके आगे आज का कोई भी डीजे भी फेल हो जाएगा।
और अब मेरे पिताजी पितृ पूजन आरंभ करने वाले हैं। पितृ पूजन से पूर्व उन्होंने नई जनेऊ धारण करी है और पुरानी जनेऊ को उतार दिया गया है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब जनेऊ पुरानी हो जाती है या खंडित हो जाती है तो जनेऊ को बदल लिया जाता है। प्रभु की दया से मेरे माता पिता दोनों की ही कृपा छाया मुझ पर बनी हुई है, इसीलिए पितृ पूजन में मेरा बैठना वर्जित है। इस समय का सदुपयोग हमने अपने सगे संबंधियों के साथ इन मंगल क्षणों को कुछ छायाचित्रों में संजोकर किया। अब समय है कलश पूजन संपन्न करने का, तो आगे कलश पूजा जा रहा है।
यहाँ पर नवग्रहों का आवाहन हो रहा है, नवग्रह पूजा आरंभ होने वाली है। साथ ही आप सुन पाएंगे एक सुंदर कुमाऊनी मंगल गीत जिसमें कि नवग्रहों को आमंत्रित किया जाता है। नवग्रह पूजन के साथ ही आरंभ हो चुका है स्वाल पथाई का कार्यक्रम, जहां महिलाएं आटे से स्वाले बना रही हैं। और साथ ही आप सुन पाएंगे स्वाल पथाई के समय गाए जाने वाला एक मंगल गीत। इस प्रकार हमारी नवग्रह की पूजा संपन्न हो चुकी है और अब समय है हवन की तैयारी का। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि हवन के लिए वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और अब शीघ्र ही हवन कार्य आरंभ होगा। यज्ञ से पूर्व सभी ब्राह्मण आचमन करते हैं। हमारे यज्ञ में कुल मिलाकर 5 ब्राह्मण सम्मिलित हैं। आप अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11 या उससे अधिक ब्राह्मण भी आमंत्रित एवं सम्मिलित कर सकते हैं। हमारे
हवन आरंभ से पूर्व पंडित जी बट्टू की माता एवं बट्टू के दाएं हाथ पर कंकण भी बांधते हैं। अभी ये वही हो रहा है। यज्ञाग्नि में तीन समिधा की आहुति के साथ ही यज्ञ का आरंभ हो रहा है। यज्ञ के अंत में पूर्णाहुति के पश्चात समय हो गया है आरती का, और आप भी आरती में भाग लीजिए। Yeah.
बोलो गणपति जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। हमारे आचार्य श्री M.M. लोहनी जी और आचार्य श्री अनिल पांडे जी की कृपा से इस प्रकार पहले दिन के सभी कार्य संपन्न हुए और हमने प्रभु को निर्विघ्न रूप से सभी कार्य संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया। आगे आप देखिएगा अगले दिन की कुछ झलकियां जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। Thank you.